हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 34 पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसकी कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसएससी एमटीएस की परीक्षा 2 अगस्त से 22 अगस्त तक चली थी। इसकी सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस आप लोगों ने कई चैनल पर देखे होंगे कि जिससे क्वेश्चन का पैटर्न का अंदाज़ा आप लोग के लग चुका होगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आखिरी कुछ दिनों की बात करें तो लास्ट वीक के क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा पिछले वीक से क्वेश्चन का जो पैटर्न था टॉप था। अगर आप इजी टू मॉडरेट लेवल का बात करें तो फर्स्ट वीक में इजी टू मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन, और लास्ट वीक में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया। लेकिन दोस्तों, जो कट ऑफ बनता है एसएससी एमटीएस का नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ है उनको भी नॉर्मलाइजेशन के बाद अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन का बात करें तो जिस कैंडिडेट का लास्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ जाता है, और जिस कैंडिडेट का एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल का हुआ है उसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो जाता है, ताकि सभी कैंडिडेट का मार्क्स अच्छा आ सके। यही बेनिफिट होता है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। कोचिंग का पैटर्न अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक जैसा कोचिंग का पैटर्न बनाने में किसी की बस की बात नहीं है। अब हम देखेंगे कट ऑफ जो किस तरह से हो सकते हैं। पिछले साल की कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं, जो 2016 से 17 की वैकेंसी थी, इसका एग्ज़ाम 2017 में कंडक्ट कराया गया था अक्टूबर के महीने में। अगर 2017 का हम कट ऑफ देखते हैं तो आपसे पहले बता दें कि जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर वन में, ठीक है। अगर हम कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पर जो कट ऑफ गया था जनरल का 150 मार्क्स में से 110, ठीक है। अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 73%, ठीक है, 73 पॉइंट कुछ गया था, ठीक है। अगर ओबीसी का देखते हैं हम तो ओबीसी का देखते हैं तो 101% जो इसका कट ऑफ गया था फाइनली। इसी तरह एसी एसटी के देख लेते हैं तो 100% गया था, ठीक है, और एसटी के देखते हैं तो इसका 87% जो कट ऑफ गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लोग का अंदाज़ा लग गया होगा कि 2017 में कट ऑफ मार्क्स कितना तक गया था। अब हम लोग देखेंगे इस साल का कट ऑफ टायर वन के लिए, इस बार कट ऑफ कितना तक जाएगी। आप लोग उस चीज़ को याद रखें, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 100 मार्क्स का हुआ है, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ है। और कुछ लोग ने कहा है कि किसी चैनल पर 92 मार्क्स आए हैं, 95, 96, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, और कुछ कैंडिडेट 80 मार्क्स बोलते हैं उनका मार्क्स गलत होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें जो तैयारी करते हैं एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, ये सभी भी इस फॉर्म को भरे हैं, इनकी तैयारी अच्छी होती है और सब कोई चाहता है कि मेरे जॉब अच्छा लग जाए। अगर टीयर वन की बात करें तो जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मार्क्स कम से कम 71 से 75% के बीच रहना चाहिए, ठीक है। अब ओबीसी के अगर हम देखते हैं तो ओबीसी का जो मार्क्स होता है जनरल कैटेगरी से कुछ कम होता है, 2 से 3 मार्क्स, ठीक है। तो कम से कम इनको 68 से 73 के बीच में परसेंटेज इनको चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं एससी, ठीक है, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। तो एससी के देखिए तो ओबीसी से कम 5 से 6 मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो कम से कम इनको 63% से 68% के बीच में मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एससी और एसटी के देखते हैं तो एसी से एसटी का जो मार्क्स होता है 10% कम होता है, ठीक है। तो इनका अगर हम मार्क्स देखें तो कम से कम 54 से लेकर 65% के बीच में इनका मार्क्स
रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ मार्क्स बनता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।